हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रियांश गाराज। दोस्तों, अगर आप 2023 में सब कॉम्पैक्ट एसयूवी कार ढूंढे और आपका बजट कम है तो आज हम लोग बात करेंगे रेनो काइगर के बारे में, जो अपने सेगमेंट की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी कार है। आपको यहां पर जो कंपटीशन मिलता है वो मिलता है निशान मैग्नाइट के साथ। निशान मैग्नाइट और रेनो काइगर में काफ़ी सारी सिमिलैरिटी देखने को मिल जाएगी। अभी आप इसके RX-Z टॉप मॉडल वेरियंट को देख रहे हैं, जिसकी प्राइसिंग की बात कर ली जाए तो 8,80,000 रुपये इसका एक्सशोरूम प्राइस है। गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। ऑप्शंस की बात कर ली जाए तो ग्रे, सिल्वर, कूल व्हाइट, ब्राउन, ब्लू, रेडिएंट रेड, स्टील, ब्लैक एंड मेटल मस्टर्ड, ऐसे कलर ऑप्शन आपको यहां पर देखने मिलेंगे। 6,50,000 से इसका बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है, 11,23,000 का आपको इसका टॉप मॉडल देखने को मिल जाएगा। काफी सारे वेरिएंट्स आपको यहां पर ऑफर किए जाते हैं, बट अभी आप इसका RX-Z मैनुअल वेरिएंट देख रहे हैं। बाकी इसके अलावा ऑटोमेटिक CVT का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। गाड़ी के की फॉब की बात कर ली जाए तो यहां पर आपको ऐसी कुछ की मिलेगी। पीछे रॉड का लोगो, लॉक लॉक, बूट ओपनिंग का ऑप्शन दिया जा रहा है। दोनों आपको स्मार्ट की मिलेंगी, बिकॉज इसमें मिलती है आपको कीलेस एंट्री। इसमें आपको सिक्योरिटी सेंसर नहीं मिलता, बट आप गाड़ी के जैसे ही पास जाएंगे आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगी। ये फीचर आपको काफी अच्छा मिलता है रेनो काइगर में। 1750 mm की चौड़ाई के साथ आती है रेनो काइगर। सेंटर में काफी बड़ा सा मिलेगा आपको रेनॉल्ट का लोगो, जिसका साइज काफी बड़ा रखा गया। फुल ब्लैक फिनिश में ग्रिल, क्रोम ट्रीटमेंट के साथ, ऐसे आपको क्रोम ट्रीटमेंट, फुल ब्लैक फिनिश में लोअर ग्रिल, साइड में आपको टोनू का ऑप्शन दिया जा रहा है। नाइट विजिबिलिटी की बात करिए तो रेनो काइगर के RX-Z वेरिएंट में ऐसा कुछ ट्रिपल LED का सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा। ऊपर मिलते हैं आपको इंडिकेटर की प्लेसमेंट, ऐसे कुछ DRLs, नीचे आपको कोई भी फॉग लैंप्स नहीं मिलेंगे। सामने से आपको ऐसा कुछ फ्रंट फेशिया नजर आने वाला है। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो अराउंड 205 mm का आपको यहां पर ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है। जाहिर सी बात है, सब कॉम्पैक्ट हो तो यहां पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छा मिलेगा। ये इसकी सामने की विंडशील्ड, यहां पर मिलेगा आपको ड्यूअल वाइपर विथ सिंगल वॉशर का सेटअप। वॉशर आपको बोनेट पे देखने को मिल जाता है। ये इसकी रूफ रेल्स, पीछे शार्फ इन एंटीना। आप बढ़ते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल, तब साइड से देखते हैं इसके टॉप मॉडल को। तो साइड में आपको 16 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स ऑफर किए जा रहे हैं, जो कि मिलता है आपको ड्यूअल टोन कलर में। काफ़ी इनहेंस लगते हैं देखने में। यहाँ पर आपको ऐसे कुछ ड्यूअल टोन में अलॉय व्हील्स, रेनॉल्ट का लोगो, इतना कुछ स्पेस। टायर सेशन की बात कर ली जाए तो 195/60R16 का पूरा टायर सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इतनी चौड़ी सी क्लैडिंग, डोर बिडिंग्स। डायमेंशन वाइज देखा जाए तो यहाँ पर आपको 3991 mm की लेंथ मिल रही है, 1605 mm की हाइट के साथ आती है रेनो काइगर। गाड़ी के व्हील बेस की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको अराउंड 2500 mm का व्हील बेस मिलता है। स्पेस आपको काफ़ी सारा मिलेगा इसके कैबिन में, जो कि हम लोग आगे कवर करेंगे। ये है इसके डोर बिडिंग्स, क्रोम ट्रीटमेंट के साथ, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में RX-Z की बैचिंग, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में ORBMs, इंडिकेटर आपको इसी में ही देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल, एडजस्टेबल दोनों का ही ऑप्शन है यहां पर आपको दिया जा रहा है। आप इनको अंदर से पूरा कंट्रोल कर पाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं रेन वाइजर, ये एसेसरीज का पार्ट है। बी पिलर मिलता है आपको ब्लैकआउट, ये एसेसरीज का पार्ट है। ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल्स। रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलेगा, आप गाड़ी के जैसे ही पास आएंगे गाड़ी ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगी। रियर व्हील्स में ड्रम एंड फ्रंट व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। ये है इसका फ्यूल फिलर कैप, 40 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी रेनो काइगर में। अब आते हैं गाड़ी की रियर प्रोफाइल की तरफ। ये इसकी काफी बड़ी सी विंडशील्ड, ये जो आप स्पॉइलर देख रहे हैं काफी इनहेंस लगता है। ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में आपको ऑफर किया जा रहा है। ये इसका पूरा स्पॉइलर, सेंटर में आपको काफी बड़ी सी हाई माउंट स्टॉप लाइट, वॉशर, डिफॉगर, सारे फीचर्स आपको यहां पर मिलेंगे। काफी बड़ा सा रेनॉल्ट का लोगो, इसी में ही आपको रिवर्स कैमरे की प्लेसमेंट मिल जाएगी। काइगर की बैजिंग, क्रोम सराउंडिंग, नीचे 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं। गाड़ी के टेल लैंप्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको शी शेप में हेलोजन टेल लैंप्स मिलेंगे। इंडिकेटर और रिवर्स हेड आपको इसमें मिल जाएगी। नीचे मिलते हैं आपको रिफ्लेक्टर्स। आप बढ़ते हैं गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ, तो यहाँ मिलता है आपको बटन, जिसको आप प्रेस करके अपने बूट को एक्सेस कर पाएंगे। ये इसका कुछ बूट ओपनिंग एरिया, पार्सल ट्रे भी मिलेगी बिकॉज इसका ये टॉप मॉडल है। ये इसकी पूरी पार्सल ट्रे, आगे का पूरा केबिन आप देख सकते हैं। अपनी पार्सल ट्रे को आप यहाँ से हटा भी पाएंगे। ये इसके आगे का पूरा केबिन, 60/40 सीट को आप फोल्ड कर सकते हैं। 405 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलेगा। नीचे मिलता है आपको स्पेयर व्हील टूल किट के साथ। तो ये था इसका पूरा बूट स्पेस। अब बढ़ते हैं गाड़ी की पैसेंजर सिटिंग की तरफ। अंदर से बैठ के सारे फीचर्स और आपको कितना कुछ स्पेस मिल रहा है वो कवर करते हैं। तो यहाँ पर आपको बॉडी कलर पे डोर हैंडल्स, डोर ट्रिम की बात कर ली है तो रेनो काइगर के RX-Z वेरिएंट में आपको फुल ब्लैक फिनिश में डोर्स ऑफर किए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको ऐसे कुछ ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में मिल जाएगी। ये इसका कुछ डोर ओपनर, लॉक अनलॉक, पावर विंडो की कंट्रोल्स, नीचे बॉटल होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट। ये इसका पूरा रियर का केबिन, काफी स्पेसियस केबिन आपको मिलने वाला है। फैब्रिक की सीट्स ऑफर की जा रही हैं। रियर के जो हेडरेस्ट मिलेंगे आपको वो मिलते हैं आपको एडजस्टेबल। रियर में आपको आर्मरेस्ट भी ऑफर किया जा रहा है। बैठने से जरा गाड़ी के अंदर इतना कुछ आपको लेग स्पेस मिल जाएगा। मेरी लगभग हाइट 5 फुट 11 इंच के आसपास है।
ये इसका फ्रंट आर्मरेस्ट, यहाँ पर आपको दो एसी के वेंट्स, नीचे 12 वाट का सॉकेट, रियर में भी आपको आर्मरेस्ट ऑफर किया जा रहा है दो कप होल्डर्स के साथ, आप आराम से अपना हाथ यहाँ पर रख पाएंगे। साइड में मिलता है आपको ग्रैब हैंडल, ये इसका फ्रंट डैशबोर्ड फुल ब्लैक फिनिश में, आपको थोड़ा बहुत क्रीम कलर भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा इसी वेंट्स के पास। सामने मिलता है आपको 8 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम, अभी आप देख रहे हो उसके मैनुअल ट्रांसमिशन को। अब निकलते हैं गाड़ी के बाहर, बढ़ते हैं गाड़ी की ड्राइवर सिटिंग तक, तो ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में डोर हेडर्स, रिक्वेस्ट सेंसर आपको नहीं मिलेगा, आप गाड़ी के जैसे ही पास आएंगे गाड़ी ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगी, ये फीचर आपको काफी अच्छा मिलता है रेनो काइगर में। ये है कुछ फुल ब्लैक फिनिश में ड्राइवर साइड डोर्स, ग्रैब हैंडल, यहाँ पर आपको डोर ओपनर, यह इससे आप एडजस्ट कर पाएंगे अपने ओआर में उसको, फोल्ड अनफोल्ड, पावर विंडो के सारे कंट्रोल्स, बॉर्डर होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट। ये इसका फ्रंट का पूरा कैबिन, फ्रंट में आपको स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिलता है इसके लेग में एंड हेड में, ये इसकी पूरी सेटिंग एडजस्टमेंट मिलेंगे आपको हेडरेस्ट फ्रंट में भी, हाइट एडजस्ट रिक्लाइन दोनों का ऑप्शन आपको दिया जा रहा है। इसी के नीचे मिलता है आपको फ्यूल ओपनर, मैनुअल के एबीसी प्लस, ऑटोमेटिक सीवीटी का भी ऑप्शन आपके पास है, साइड मिलेगा आपको बोनेट ओपनर, ये इसके अंदर का पूरा इंटीरियर। ड्राइवर सीट पर बैठने के बाद ऐसा कुछ नजर आने वाला है, फ्रंट डैशबोर्ड फुल ब्लैक फिनिश में आपको डैशबोर्ड ऑफर किया जा रहा है। फिनिशिंग की बात कर ली जाए तो ऐसे कुछ आपको फिनिशिंग मिलती है ब्लैक की। आगे विजिबिलिटी की बात कर ली जाए तो बम्पर टू बम्पर आप इसको आराम से ड्राइव कर पाएंगे। ये है इसका क्लस्टर जो कि मिलता है आपको फुल डिजिटल, काफी बड़ी से आपको टीएफटी दी गई जिसमें मिलती है आपको सारी इन्फॉर्मेशन, अपनी एमआईडी को आप अपने स्टीयरिंग से ही कंट्रोल कर पाएंगे। यहाँ पर आप प्रेस करेंगे ट्रिप ए ट्रिप बी रेंज माइलेज, काफी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है आपको, काफी स्पोर्टी लगता है इसका क्लस्टर देखने में। बाकी यहाँ पर आपको ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं जो कि मैं आपको आगे कवर करके बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के स्टीयरिंग की, तो ये इसका पूरा स्टीयरिंग, यहां पर मिलता है आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश, रेनॉल्ट का लोगो, मल्टीमीडिया के सारे कंट्रोल्स, यहां पर आपको एमआईडी के सारे कंट्रोल्स, स्टीयरिंग के पीछे मिलते हैं आपको वाइपर्स के कंट्रोल्स, राइट साइड मिलते हैं आपको हेडलैम्प्स के सारे कंट्रोल्स। ये तो हो गए स्टीयरिंग की बात, सेंटर कंसोल की बात कर लिया तो यहां पर आपको 8 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस मिलेगा आपको एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले, सबकी कनेक्टिविटी आपको यहां पर देखने मिलेगी, 4 स्पीकर 4 टीयर्स का प्रीमियम साउंड सिस्टम आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। गाड़ी के रिवर्स कैमरे की बात कर ली है तो ये इसका रिवर्स कैमरा, नेविगेशन भी आपको इस पे देखने को मिलेगा। तो ये था पूरा इसका टच इंफोटेनमेंट सिस्टम। इसी के नीचे मिलते हैं आपको दो एसी के वेंट्स, हेजलाइट का बटन, डिफॉगर का बटन, लॉक अनलॉक के बटन्स, एसी के सारे कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन आपको दिया जा रहा है। इसके नीचे थोड़ा स्पेस, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, यहाँ पर आपको थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, वायरलेस चार्जर भी आपको मिल रहा है इस वेरिएंट में। अभी आप देख रहे हो उसके 5 गियर मैनुअल स्पीड ट्रांसमिशन को, यहाँ पर मिलते हैं आपको लाइट्स के बटन्स, इसको प्रेस करके अपनी सारी लाइट्स को ऑन कर पाएंगे एक ही बार में। यहाँ पर मिलते हैं आपको ड्राइविंग मोड्स, आपको 3 ड्राइविंग मोड्स ऑफर किए जा रहे हैं, स्पोर्ट्स, सिटी एंड नॉर्मल। यहाँ पर मिलता है आपको थोड़ा स्पेस, अपना सामान रख के आप यहाँ पे इसको बंद कर पाएंगे। ये इसका हैंड ब्रेक, फ्रंट आर्मरेस्ट, आर्मरेस्ट में आपको स्पेस मिलता है थोड़ा सामान रखने के लिए। ग्लव बॉक्स की बात करिए तो ऊपर भी आपको स्पेस मिल रहा है, इसके अलावा नीचे मिलता है आपको ग्लव बॉक्स, इसमें आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा। ऊपर की बात करिए साइड में ग्रैब हैंडल, पैसेंजर साइड मिलता है आपको वैनिटी मिरर, ड्राइवर साइड की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको कोई भी वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया जा रहा है। सेंटर में मिलता है आपको माइक की प्लेसमेंट, यहाँ पर आपको लाइट्स, ये है इसका मैनुअल डे नाइट आईआरबीएम। तो यही था इसके अंदर का ओवरऑल पूरा इंटीरियर। अगर इंजन स्पेसिफिकेशन की बात कर ली जाए तो यहाँ पर आपको 2 इंजन ऑफर किए जाते हैं, बट अभी आप इसका 1 लीटर का नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन देख रहे हैं, 72 BHP की पावर, 96 Nm का आपको टॉर्क मिलेगा। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो इसमें आपको ABS विद TBD, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, इंजन एम्बुलेंस क्रैश सेंसर, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक और फ्रंट के 2 एयरबैग से 7 आती है रेनो काइगर। बात आती है मेन चीज गाड़ी के प्राइसिंग की, तो अभी आप देख रहे हो इसके RX-Z टॉप मॉडल वेरिएंट को 8,80,000 रुपए का एक्सशोरूम प्राइस है, 9,88,000 की पड़ती है आपको ये ऑन रोड लखनऊ। तो यही थी रेनो काइगर अपने सेगमेंट की सब कॉम्पैक्ट SUV कार, कैसे लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएगा। वीडियो को पसंद है वीडियो को लाइक कर देगा एंड स्पेशल थैंक्स टू रेनॉल्ट आलमबाग। अगर आपको कोई भी गाड़ी परचेज करनी तो आप यहां पर विजिट कर सकते हैं। वीडियो को पसंद है वीडियो को लाइक कर देगा। मैं प्रियंश मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।